जैसे कि हमारी बहन भी को आए मनिका अपा, ये ओल्डेज हाउस के लिए कितने दिन से काफी सामान लेके रखे थे और ये सब चीज की जरूरत ओल्डेज हाउस में लगती है। जैसे कि ये हगीस हो गई, देखो तीन तीन पैकेट हगीस है, ये और ये है एक खुजली का पाउडर है, इसकी भी जरूरत लगती है क्योंकि ये हगीस पिला के रखते हैं, तो जैसे कि उम्र वाले हैं तो आप लोग समझते ही रहेंगे, है ना, चल फिर नहीं सकते, सबको इसकी भी जरूरत है। और ये है डिटॉल, डिटॉल की इतनी सारी बॉटल लाए माशाल्लाह, और इतने सारे दुपट्टे लाए ले, ये बगदाद शरीफ में बांटने के लिए लाए ले। हाँ बहन ने देखो, बगदाद हम लोग के लिए कपड़े तो लाए लाए, लेकिन जहाँ पे हम लोग जा रहे वहाँ के लोग को दुपट्टे भी लाए ले, तो बहुत अच्छा काम करे बहन, जजाक अल्लाह, अल्लाह भी नवाजे। खैर हमारी दुआ तो लगे नहीं लगे अल्लाह का, लेकिन ओल्डेस्ट हाउस में जो रहते हैं बुढ़ा बुढ़ी उन लोगों की दुआ तो जरूर लगेगी। तो ये मलिका अपा ने देखो माइन से इतना उठा के लेके आए इतना वजन, तो जजाक अल्लाह भी, अल्लाह तुमको और नवाजे। हम लोग भी दुआ करेंगे और हमारे ओल्डेस्ट हाउस वाले लोग भी दुआ करेंगे, बेशक हमारे ओल्डेस्ट हाउस वाले लोग की तो दुआ लगेगी, उन लोग का तो बेचारे लोग का कोई नहीं है ना, और सब उम्र वाले हैं जिनकी दुआ लेनी चाहिए वैसे लोग ही उधर है और सब जरूरतमंद है। ये देखो हमारी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वहाँ हम सब आके मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अभी जस्ट अभी हम लोग आए, हमारे ओल्डेस्ट हाउस में जो लड़की आई थी उसके अभी जस्ट हम लोग रिश्ता पक्का करके आ गए, फरवरी में उसकी शादी के डेट भी ले ली, 18 फरवरी। तो सोचो अभी मैं कितना बिजी हूँ, मुझे अजमेर जाना है, बगदाद जाना है, फिर वहाँ से आगे कुंडे की नियाज करना है, फिर मुझे वहाँ से एक नियत करी थी कि गोसबाग की नियाज बड़ी करना है, और फिर उसमें बच्ची की शादी भी है। तो आप लोग दुआ करना कि अल्लाह मेरे को तंदुरुस्ती रखे, है ना, कि मेरे हाथ पाँव में ताकत दे कि हम लोग दोनों इतना भागम भागी हम लोग कर सके, मैं और लाले, और किसी बुरे सड़े में लोग की नजर ना लगे और आपा बीमार ना पड़े। सड़े लोग नजर मत लगाना, मेरी बहन को बहुत मेहनत करने का है, अगर नजर लगाने 10 जाने तो दुआ देने वाले हजार है ना मलिक आपा, बेशक फिर ये सब दुआ से सबकी नजर भी कट जाती है, और अल्लाह वो तो बेशक अल्लाह सब जानने वाला है, हमारे दिल में क्या है, किसके दिल में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। हम लोग दिखावा करते हैं या दिल से कोई भी चीज करते हैं, दिल से करते तो अल्लाह जानने वाला है, हम और हमारे वाला भी अल्लाह है, और हमारे हेटर्स लोग हमारे चलने वाले तो नहीं जानते। मैं एक सवाल करता हूँ, जो बोलता है ना कि कुलसुम आपा दिखावा करती है, मैं कुछ सीख मिली कुलसुम आपा के दिखाने से कि मैं भी कुछ करूँ, तो तुम लोग जलने से अच्छा है ना कुलसुम आपा से जलो मत, कुलसुम आपा का देख के करो, किसी गरीब की मदद करो, इसीलिए तो थोड़ा समझ आएगी तुम लोग, अल्लाह ने जिसको दिया वो करे। देखो मलिका आपा के पास में अल्लाह ने इतना नहीं दिया, लेकिन दिल कितना बड़ा दिया है, सोचो कि इतना सब लाने के लिए भी पैसा लगता है ना, कम चीज तो नहीं है, ज्यादा चीज है। तो जैसा मलिका आपा लोग जैसे ओल्डेज हाउस के लिए कर सकते, जो पैसे वाले करोड़पति अब्दुलपति वो क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोग को भी मतलब हमारे इधर भी नहीं, किधर जो देश में आप रहते हो, जो शहर में रहते हो, वहाँ के गरीब लोग के लिए आप करो, क्योंकि अल्लाह ने हम लोगों को इसके लिए दिया रहेगा कि हम गरीब लोग की मदद कर सके, है ना। और अल्लाह सबको अगर पैसा वैसा देता है तो उतना दिल भी नहीं देता है, तो हम लोग तो दुआ करते हैं अल्लाह जिसको अगर पैसा देवे तो उसको दिल भी देवे कि लोग गरीब लोग की हेल्प कर सके, है ना। धीरू भाई अम्बानी, पता है आप लोगों को धीरू भाई अम्बानी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला है, तभी अपनी जान को बच नहीं पाया, पैसा कब्र में लेके नहीं जाएंगे, दुनिया का पैसा दुनिया में लगा और चले जाओ भाई लोग, वही काम आएगा आखिर, ऐसा मेरी बहन कर रही है, करना भी चाहिए, है ना। और मलिका आपको कुछ बोलो नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह इनका सफर आसान करे, बस सबके लिए दुआओं में याद। माशाल्लाह हम लोग के लिए कपड़े भी मलिका आपा ने बहुत प्यारे प्यारे लाए, मेरे लिए, लाले के लिए, मेरी बेटी के लिए इतना प्यारा दुपट्टा, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है ना, बहुत प्यारा कलर है, हर एक ड्रेस में मेरी बेटी दुपट्टे को ओढ़ सकती है, मेरी बेटी के लिए स्कार्फ, मेरे भाई के लिए साफा, दोनों के लिए जजाक अल्लाह भी, और अल्लाह तुमको हर खुशी से नवाजे। ये तुमने ओल्डेज हाउस के लिए लाए ना, इसके लिए दिल से दुआ निकल रही है। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं जब से सुनी थी ना आपका, तब से ऐसा था कि नहीं करना है, कुछ करना जमा कर रही कायनात ओल्डेज हाउस में, एक साथ में नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा इतना आइटम मैंने जमा कर भी दिया, माशाल्लाह अच्छा खासा आइटम है, और जरूरतमंद के लिए ये पहुंच रहा है वो बहुत बड़ी बात है, सब चीज जरूरत की चीजें है ना, ये तो इतना सारा सामान, बगदाद के लिए दुपट्टा, जजा करना बेना उनका।
अभी इनके बारे में बोल रहे हैं ये इनके बारे में क्या इनके जारत में क्या रखने का पिंकी इतना सब इतना सब रखने का तुम्हारी जारत में बोल बोलते जर्दा भी रखना हाय हाय इतना पैसा रख के जाना सब कर लेंगे अरे हमारे बड़े बॉय वाइट का हमारे बड़े है मिलने आए और ये दोनों साड़ू भाई देखो अरे हमारी भाईरी और लोग सब ले दो कपड़े लेके आए हम लोग के लिए ले मुझे आवाज से चालू रख कपड़े लाइए हम लोग तीनों के एक जैसे है मेरा है लाले का है और मेरी सोफी का है और चिकन का कपड़ा है बहुत प्यारा है यह लाई हमारी पिंकी पिंकी ने हमारे वाइफ ने है ना वाइफ वाइफ समझो ऐसा चलो पिंकी ने समझ जाओ तुम है ना बाहर देखो एक लाले का और एक मेरा बाने सलमान को चुनका अच्छा लाए ना इसके लिए और ये देखो ये सोफी के लिए लाए ले बाने कपड़ा हाँ सलमान का है हाँ ये सलमान का है मेरा ये लाले का सोफी का क्रीम ये सोफी का कपड़ा है सोफी का कपड़ा है बारे हम लोग सबके लिए मेरे लिए लाले के लिए सलमान के लिए सोफी के लिए पिंकी ने भी हम लोग सबके लिए लाई और ये हमारी मुन्नी ने लाई ये भी बहुत प्यारा कपड़ा लाई है ना अच्छा है ये मुन्नी ने लाई सोफी के लिए और इसमें मेरे लिए और लाले के लिए ये भी कॉटन का कपड़ा बहुत प्यारा है इंशाल्लाह अगले महीने में छठी में हम लोग सिलाएंगे एक मेरा है एक लाले का है और इसमें भी कपड़े हैं और ये सलमान का हम लोग सबके लिए लोगों ने कपड़े लेके आए मुन्नी ने ये मुन्नी मतलब हमारे बाबा ने भी ये हमारे बाबा के तरफ से कपड़े आए ने यानी सोफी के फुआ दो दो फुआ ये बड़े और वो छोटे है ना और वाइफ ने मेरा फेवरेट लाया मोगो मोगो ये देखो सब फ्लेवर सब फ्लेवर अलग अलग मोको मोको भी लाए ले साथ में तो अभी फिलहाल पहले मैं पी रही हूँ फेवरेट वाला लीची वाला ये एप्पल वाला स्ट्रॉबेरी दो एप्पल दो स्ट्रॉबेरी एक पाइनएप्पल एक लीची तो सब किस्म का मोगो मोगो है लेकिन ये मेरा फेवरेट है लीची दोबारा लाएंगे तो ये लाना भाई लीची यही ली थी गरम था तो बोले मत ले अपने पास फ्रिज में था ना फ्रिज था ना तो ठंडा हो जाता था तो इतना सारा आया तो मैं एक साथ में पी लेती थी मेरे को जाना चाहिए तो खुद बेचारे आए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि अभी मेरे बेडरूम में पूरा फंसा रहा है जो की सोफी के पूरे मोबाइल में दिखेगा ब्लॉग में हाँ सोफी ब्लॉग में और यहाँ पे हम लोग केक काटे हमारे वाइफ का क्या जिनका बर्थडे था और हमारी पूरी फैमिली है देखो हमारा पेशेंट भी है यहाँ साथ में इसलिए नींद ही नहीं पूरी हो रही है नींद नहीं होती है पूरी सची लोग गोली से बहुत नींद आ रही है ये भी बन गया और पूरी फैमिली देखो हमारी इधर है ना सब लोग इधर बैठे हैं अभी हाँ उसकी फुप्पी के पास एकदम चिपक के बैठा है ना सलमान सलमान को पिंकी तेरे से झाड़ा होने का है हाँ
उसको जाड़ी होने का है फैमिली है ना वाइट पटेल वाइट ओ वाइट ये बहुत ये देखो सब फैमिली बेटी है हमारे यहाँ इधर ओके मिल गया सलमान को कितनी मस्ती सूझी है कितना मस्ती कर रहा है ओके जुड़ गई काज अस्सलाम वालेकुम तो अभी हम लोग जा रहे हैं अजमेर और यहाँ पे सब फटाफट तैयार हुई हो रही है अब अगर हमें हमें चादर बदली कर देना और झाड़ू पोता हो जाएगा ना तो वो अंदर से पुश करके बाहर से लोग करना तो होएगा सब लोग निकल रहे हम लोग सब फटाफट फटाफट सामान ये सब खाने का लिए ना छुरी ली बल्लू छुरी और चम्मच ये भी ले ले कालू इसमें इतने कपड़े तेरा ये भी डाल इसके अंदर सर पे लपेटने को हाँ नहीं हो गया कहने इतना बड़ा सब अभी निकाल रहे हम लोग साफ सफाई इसमें रख मेरी सरकार हट रहे बल्लू थोड़ा सुजन हम जा रहे आज अजमेर माशाल्लाह आज मेरा पूरा घर जा रहा है मैं हर बार उरूस में पूरी फैमिली को लेके जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी हम लोग चल रहे अजमेर और हमारे आंटी ने देखो 500 रुपए दिए चद्दर चढ़ा रहे हैं और ये लोग है आंटी लोग जैन लोग है ना हाँ हाँ ये देखो ये लोग जैन लोग है लेकिन फिर भी गरीब नवाज को मानते हैं और हर महीना मुझे चद्दर के पैसे देते तो हमारी बिल्डिंग में सब मिल के रहते माशाल्लाह है ना आंटी ये आंटी और आंटी की बहू सास बहू है ना चलो आंटी घर देखना हाँ चलो बाय सब लोग जाने के लिए सब लोग पहुंच गए स्टेशन लाले लाले के बच्चे भी आ गए सब लोग और इधर हमारी टक्कू की सास उसकी बेटी लोग भी आ गए और हम लोग खड़े हैं अभी मीरा रोड स्टेशन पे ये देखो स्टेशन पे ये कुछ बोलो रे मुझे अजमेर में मर जाने दो एंटीस्टेंट कुछ बोलेंगे भाई आप हाँ और कुछ भाभी आपा 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 मोबाइल चलो चलो और दीवाने बैठे वहाँ सरकार।
हम लोग ट्रेन में बैठ गए और मैं सो गई थी, तो सोनू लोग आए थे मिलने, लाली आप आए थे सूरत से, बड़गा से, और कितना सारा सामान भी अपन, इतना सारा सब फ्रूट पूरी थैली भर के था, आधा तो बच्चे लोग ने सब खा लिया, अंगूर पपया संतरा, दो दो पपिए पपया, और ये मिठाई है ना, लाली आप ये मिठाई, और इसमें भी सब फ्रूट, और हमारी सोनू ने बिरयानी भी लाई थी इसमें, ये पूरे डब्बे में बिरयानी, और ये थर्मास में पूरी चाय सब लाए थे, मैं तो सो गई थी, है ना, इतना सारा लाए, बहुत बहुत जजाक अल्लाह सोनू और हमारी लाली आपा, मैंने भी खजूर बिजूर सब सामान अभी कौन लाया उन्हें मालूम, मैं सो गई थी तो अब भी उठी हूँ। माशाल्लाह होटल पे, और कल मेरी तबीयत सही नहीं थी करके मैं पूरे ट्रेन में सोते सोते आई हूँ, और स्टेशन पे आए थे हमारी लाली आपा जो बहुत सारा फ्रूट लाए थे, है ना, फ्रूट लाए थे ना लाली आपा ने बहुत सारा, क्या क्या लाए थे, नाश्ता मिठाई हलवा बिलवा लाली आपा ने बहुत बहुत लाए थे सूरत अली लाली आपा ने, तो जजाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बहन, और हमारी सोनू कबीर ने भी, सोनू ने क्या लाई थी, अरे तुम लोग बिरयानी बिरयानी, सोनू ने भी बहुत सारा सामान लाई थी, और फिर कालू के भी दोस्त लोग आए थे बड़ौदा से सूरत से मिलने के लिए, लेकिन मैं तो किसी से मिल ही नहीं पाई, सो रही थी करके, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर भी रहा, पहुंच गए हम लोग, सब उठ के तैयार होके बैठ गए सोफा, सब लोग तैयार हो गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी दरगाह पे ज़ारत करने के लिए, अभी हम लोग आधे लोग तैयार हो गए आधे लोग बाकी है, सर पठानी बरोबर आया ना, इन अभी नई सिलाई हुई है ना, और सब तैयार हो गए, जिसने दुआ के लिए बोला है इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, मेरी तबीयत अच्छी हो जाए जल्दी, है ना, अभी हम लोग होटल शिफ्टन में रुके हैं, हम लोग यहाँ रुके गाइस, सना ये लेडीज लोग का है, और ये जेंट्स लोग का, बॉयज लोग हैं यहाँ सब, एक्चुअली लेडीज लोग उस साइड में, हम लोग जा रहे हैं बाहर, फिर हम इधर दरगाह जाएंगे ज़ियारत करेंगे, फिर वहाँ से किशनगढ़ जाने वाले, अरे एक बार ढोल बजा देना, ताशा बजा एक बार, अरे एक बार एक बार रुक जाओ, थ्री वो कोने बजा बजा, अबे आवाज का है।